Hey guys, welcome back to my channel, mompy.rahul. तो सुबह के बज रहे हैं 11 और आज थोड़ा सा लेट से उठे क्योंकि कल रात में मम्पी की वजह से मुझे बिग बॉस देखना पड़ गया और क्या 3 बजे सोए और सोने के बाद भाई जब तक तो मेरा नींद पूरा नहीं होता तब तक तो मैं जानबूझ के मायरा को स्कूल नहीं भेजा जानबूझ क्यों क्योंकि नहीं हो पाता ना सुना फिर इधर काम फिर आप नहीं जाना नहीं चाहती तुम ये बोलो कि तुमको ना मतलब अगर कोई आदत दिला दे कोई चीज का इसकी प्रॉब्लम क्या है पहले काम वाली नहीं थी तो ये क्या करती थी कि उस पर पूरा डिपेंडेंट हो गई है खुद से बनाती थी नाश्ता मायरा के लिए खुद से करती थी लेकिन अब वो आ गई है रेगुलर बाबू 3 दिन से हम ही बना रहे हैं वो 3 दिन से नहीं आ रहा है हम आपको तो चौथा दिन भी बना लेती चौथा दिन बना नहीं हो पाएगा बाबू इसको बहुत पड़ जाता है मुंह से उन्हें निकालो कैमरा में देख रही दादी ये देखिए आई तो बदमाशी मत करो समझे ना बेटा ये ही गलत बात बहुत बदमाश हो गई मारा फिंगर देख लीजिए देखिए मार खाएगी और क्या करेगी आप और हम मायरा से आज से बात नहीं करेंगे जब तक मायरा के हमको सॉरी नहीं बोलेगी तब तक आप भी नहीं बात कीजिएगा हम भी नहीं बात बस ठीक है और हुकुम हुजूर जा हुकुम फरमाएंगे चलो उसको ब्रेकफास्ट करवा पूरा इसका लाइफस्टाइल चेंज हो गया लेट से उठती है ना नहीं बस वीक में एक बार लेट उठना चाहिए कोई बात नहीं ऐसे बेचारी स्कूल जाने के लिए 8 बजे उठ जाती है बट हम लोग स्कूल जाने के लिए कितने बजे उठते पता 6 बजे अभी हमको भी उठना पड़ेगा क्योंकि स्कूल में इसका बात कर लिए कि मॉर्निंग शिफ्ट करने जानबूझ कर के कि हम लोग अभी आदत सुधरे क्योंकि इसके बाद जो डेट स्कूल में मायरा को हम लोग देंगे ना उसमें मॉर्निंग में ही है ना इसलिए हम लोग जानबूझ के मॉर्निंग शिफ्ट करवाए हैं ताकि हम लोग अभी आदत हो जाए गुड मॉर्निंग तो इधर बात तो नहीं बाबू किसी देर से आपको बोला ना उससे बात नहीं कीजिए गुड मॉर्निंग कैसे हो आप कैसे हो आप बहुत कोई तुमको गुड गर्ल तो नहीं बोल रहा है इस बात से चलो हम लोग ब्रश करते हैं मॉर्निंग क्या कर रहे हो उठने के बाद ही मेरा काम किचन से ही स्टार्ट होता है वैसे मतलब चाहे दीदी आती है खाना बनाने चाहे नहीं लेकिन किचन में हमको आना ही पड़ता है चेक करने के लिए कि अभी तो दीदी नहीं है तो हमको खाना बनाना पड़ रहा है आज फिर आपका फेवरेट ही बना रहे हैं हम पॉम्फ्रेट मछली अच्छा लगता है ना आपको किसको किसको पॉम्फ्रेट मछली पसंद है आप लोग कॉमेंट करके बताना मेरा पति देव के लिए हमको भी अच्छा लगता है लेकिन बहुत महंगा है मेरा पति देव के लिए हमको लाना पड़ता है उनको ये और चिंगड़ी मछली ये दोनों मछली पसंद है क्योंकि दोनों में कांटा नहीं होता इसमें होता है लेकिन एक ही होता है ना अब आपको दिक्कत नहीं होता ना ये खाने में कहाँ है खुश हो रही हो हम किचन में खाना बना रहे थे हमको मम्मी मम्मी भूला जा रही बेबी मंकी भी है बेटा इसको जू लेके जाओ मंकी मंकी आप रोज ऐसे आया करो ना मायरा खुश हो जाती है ना इसको जू ले जाएगा इसको जू ले जाएंगे ना मायरा का फेवरेट प्लेस जू ही होगा क्योंकि मायरा को एनिमल से बहुत प्रेम है और लेके जाएंगे लेकिन अभी हमको नहीं लगता खुला होगा इनमें हम जाओ देख रहा है उसका लाइव देख रहा है उसका पुच्छी का लाइव देख ऐसे ना हम लोग का इसमें आता है यहाँ पे आते रहता है ना अबू हम लोग का एक बार बरंडा से भी आया था ना मायरा बहुत इंजॉय करती है देख के बहुत दिन बाद आया लेकिन ना अब तो आएगा दिल से करके देखी कैसे मजा आ रहा है पापा को तुरंत कैप्चर करते हैं और आप क्या कर रहे हैं दिन में ये लाइट जला के हाँ हम थोड़ी ना जला कौन जलाया बंद तो कर सकते ना पूरा रूम अंधेरा था लाइट जला हुआ था हम ही इसको खिड़की को खोले लेकिन इनको फिर भी नहीं समझ में आया कि हम बंद कर दे लाइट को
और कितना बिल आया था इस बार? आपका एनर्जी कहाँ है? और यही 11,000 आप एनर्जी के साथ बोलिए बोलिए। अब बहुत बोरिंग है, मतलब अगर आपके साथ रहना पड़ेगा। देखो मछली खा ली, हमको क्या दे रहा है, हमको काटा भी खा जाती है। क्या कर रही हो तुम? लाइट जला ले। क्यों? अभी इतना नाटक करने के बाद पता है, अकेला अकेला आज मायरा सो गई दोपहर में। मायरा के साथ कोई खेल नहीं रहा था। हाँ। कोई नहीं खेल रहा था। तो अभी मायरा रेडी होगी। मायरा का आज एक शूट है ना। देख कैसे भूतनी जैसे लग रही है। बोले हमको कल शैम्पू करा दीजिएगा पापा। गुडी गुडी, चलो जल्दी रेडी हो जाओ, फिर कुछ खा लो, फिर शूट करना है मायरा को। तो है ना, बताया ना ये सब क्या है, ये सब मायरा का काम। देखो क्यों क्यों अभी ये सब, अभी मायरा का शूट होगा। क्या मायरा क्या हुआ? ये मायरा एकदम ब्यूटीफुल लग रही है, सुंदर सा मायरा का सूट होगा। मायरा इतना अच्छा एक्टिंग करती है ना, सब वीडियो पे देखना। छोड़ दो मम्मा, आप टच मत करो, पापा आ रहे, सब कुछ सेट कर देंगे, ठीक है? थक गए, मतलब इसका बच्चा लोग का, हम लोगों क्या होता है, हम लोग खुद ही शूट करते करते थक गए। और ये बच्चा लोगों से शूट करवाना ना बहुत मुश्किल काम है। दस मतलब एक दो बार का बात ना, तीन चार बार मतलब 10 बार बोलो, रिपीट करो, तब उन लोगों से होता है। आज का व्लॉग यहीं तक, क्योंकि थोड़ा आज बिजी थे, कुछ मेरे फ्लैट को लेके काम करना था, वो KMC में कुछ टैक्स वैक्स भरना था, इसीलिए 2 दिन से मैं थोड़ा परेशान था, प्रॉपर व्लॉग नहीं आ पा रहा है, तो इधर उधर जाना पड़ जा रहा, जिसके वजह से मम्मी अकेली हो जा रही है और फिर व्लॉगिंग नहीं हो पा रहा, और मायरा का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए, और हाँ गाइस, जो मम्मी ने बिजनेस स्टार्ट किया है वो फेक नहीं है, वो रियल है। बहुत लोगों को पहले, अगर मतलब हमारे नाम से अगर कुछ मिसयूज हुआ होगा तो वो हमें नहीं पता, बट अगर आपको मम्मी कुछ भी दिखा रही है, अगर वो आपको पसंद आता है, तो आप जो नंबर दिया गया है व्हाट्सअप कर सकते हो और परचेज कर सकते हो अगर अच्छा लगे आपको। तो चलिए ब्लॉग को आज यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार करें और लाइक कमेंट शेयर तो करना ही है, और फैमिली को भी दिखाना है ब्लॉग। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।